पिछले हफ्ते रूस से लंबी जंग लड़ रहे यूक्रेन के लिए हल्की सी उम्मीद की किरण तब दिखी जब वॉशिंगटन से सालों की गुहार के बाद पश्चिमी हथियारों के रूस के अंदर तक इस्तेमाल की अनुमति देने के पक्ष में रणनीतिक सुई को आगे बढ़ाने की पहल दिखी। दरअसल अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को रूस में कम दूरी पर जवाबी बैटरी फायर के लिए अपने हथियारों के उपयोग की अनुमति दी है। इस पर अब रूस की ओर से लगातार तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अमेरिका में रूसी राजदूत ने रूसिया 24 चैनल को बड़ा बयान दिया है। अनाटोली एंटोनोव ने कहा कि अगर परमाणु संघर्ष महासागर के पार शुरू होता है तो अमेरिका उससे बच नहीं सकता है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस और नाटो के बीच संभावित तनाव हाल के दिनों में बढ़ गया है। पश्चिमी देश कीव को रूसी इलाकों में मिसाइल हमला करने की अनुमति देने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। हैरान हूँ कि अमेरिका सोचता है कि अगर संघर्ष होता है तो ये उसके इलाके में नहीं फैलेगा। मैं लगातार उन्हें एक थीसिस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमेरिका इस महासागर के पानी के पीछे छिपकर नहीं बैठ पाएगा। ये युद्ध सभी को प्रभावित करेगा, इसलिए हम लगातार कहते हैं कि इस बयानबाजी के साथ मत खेलो। रूसी राजदूत ने यह भी कहा कि पश्चिमी देश रूस पर तलवारें लहराने का आरोप लगाते हैं। अमेरिका पूर्वी यूरोप के लिए परमाणु हमले के परिणामों की जांच करना चाहता है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी कि यूक्रेन के पश्चिमी हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध हटाने से रूस के साथ संघर्ष में अमेरिका और उसके सहयोगी सीधे शामिल होंगे। इस कदम का रूस की ओर से तगड़ा और माकूल जवाब दिया जाएगा। Напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать. Союзные Штаты Руси нетав Василий Нембиджия не кахаки. कीव को पश्चिमी सप्लाई वाले लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति देना नाटो की ओर से संघर्ष में सीधी भागीदारी की वजह बनेगा। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेन की ओर से पश्चिम की लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल के जवाब में रूस कीव को तबाह कर सकता है। यूक्रेन की ओर से रूस के कुरस्क में घुसपैठ के बाद से मॉस्को के पास परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए पहले से ही औपचारिक आधार था, लेकिन जब उसका धैर्य खत्म हो जाएगा तो वह कीव को एक विशाल पिघले हुए स्थान में बदलने के लिए कुछ नई हथियार तकनीकों का उपयोग कर सकता है। गौरतलब है कि ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की, जहां उन्होंने संघर्ष पर चर्चा की। हालांकि यूक्रेन की ओर से ब्रिटिश और अमेरिका की लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की कोई घोषणा नहीं की गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि पश्चिमी सहयोगियों की ओर से ये बार बार सुनना मुश्किल है कि वे लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल पर सीमा हटाने के निर्णय पर काम कर रहे हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेनी शहरों और गांवों को जला रहे हैं।